A very good morning to all of you, class 7th. So today we are going to start our new chapter, which is chapter number 6, Advanced Features of MS Excel. In this topic, we are going to study about the advanced features of MS Excel, Microsoft Excel. So in the previous chapter, you have learned the use of formulas and functions for performing mathematical calculation and to analyze data. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, किस तरीके से हम यूज़ ऑफ फार्मूला फंक्शन का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए एंड टू एनालाइज द डेटा और डेटा को एनालाइज करने के लिए. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम एडवांस फीचर ऑफ एमएस एक्सेल लाइक सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस्ड फीचर किसके, एमएस एक्सेल के, क्या लाइक सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, ओके, which are very useful while working with large data files. जो कि बहुत useful है कब, जब हमको large data files पे काम करना होता है. and we will also learn how to use Excel as a database. और यहाँ पे हम ये भी learn करेंगे कि किस तरीके से हम Excel को use कर सकते हैं as a database. Now next up we have is Excel as a database. Now we are going to discuss about Excel as a database. A database is a collection of interrelated data. Database क्या है, एक collection है किस चीज़ का, interrelated data का, which is systematically organized, जो कि क्या होता है, systematically यानी system से organized होता है and is stored in a computer system. और कहाँ store होता है, computer system में. Organized data is easy to assess and work with. जो भी data organized होते हैं उनके साथ काम करना भी क्या होता है, आसान होता है, उनको assess करना भी बहुत easy होता है. क्यों, क्योंकि वो already organized हैं, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज डन यूजिंग अ स्पेसिफिक डेटा मॉडल. डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, एक स्पेसिफिक डेटा मॉडल के यूज से होता है. द मॉडल वाइडली यूज दीज डेज इज द रिलेशनल मॉडल. और जो मॉडल वाइडली यूज हो रहा है इस टाइम दीज डेज में, मतलब इन दिनों में हम यूज़ कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, रिलेशनल मॉडल. वो होता है हमारे रिलेशनल मॉडल. Now, information contained in a relational database is organized into interrelated tables. Database consists of fields and records. Remember, database consists of fields and record. Database में क्या दो चीज़ें आती हैं आपकी, fields and record. Field होती है और record होता है. In simple terms, अगर हम simple terms में बात करें, record refers to row. Record किसको refer करता है, row को. And field refers to column in Excel. और field किसको refer करती है, column. So you have to remember these two points. Record refers to row. Record refer करता है row को. And field refers to column. There is a picture, Excel database. I hope you can see the picture clearly. यहाँ पे एक picture दी हुई है where there is roll number, name, term 1, term 2, total. यहाँ पे mention किया हुआ है class 7th D. यहाँ पे एक data है, देखिए class 7th D का, ठीक है, जिसमें कि आपका record है. यहाँ पे बच्चों के record है, यानी कि students क्या roll number है, उनका name है, उनका term 1, term 2 का number है और उसके बाद उसका total है. ये क्या है आपका, ये record है. यहाँ पे फील्ड नेम दिया है, उनका रिकॉर्ड दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल रोल नंबर 102 आयुष, उनका मार्क्स है टर्म वन में 454 एंड टर्म टू में 412, जिसका टोटल है 866. सो लाइक दिस दे आर गिविंग द एग्जांपल. सो आई होप यू कैन सी द एग्जांपल, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक इजिली. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.